जरा सोचो नेटफ्लिक्स अगर किसी मूवी को 30 मिलियन में खरीदे और जरा सोचो जॉर्डन पील अगर उस मूवी को देखने के बाद बोले कि इस मूवी को तो थिएटर में रिलीज होना चाहिए और अब वो थिएटर में भी रिलीज हो रही है, तो उस मूवी में ऐसा क्या होगा जिसने जॉर्डन पील को इतना ज्यादा अपील किया होगा? जॉर्डन पील को इतना ज्यादा अपील। तो मैंने देख लिया है मंकी मैन का ट्रेलर और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि हॉलीवुड जब कोई मूवी बनाता है ना तो उसमें इंडिया की इमेज ऐसे दिखाता है जैसे उसके देश में तो कुछ होता ही ना हो, जैसे उसी के देश में साफ सफाई, उसी के देश में सारे ईमानदार लोग और उसी के देश में ऐसे पॉलिटिशियंस रहते हैं जो कि चांद पे ढूंढने पे भी ना मिले, और चांद पे ढूंढने पे ना मिले मतलब चांद पे तो कोई रहता नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां भी कोई नहीं रहता होगा। तो स्लम डॉग में जिन्होंने काम किया था वही अब अपनी एक मूवी लेकर आ रहे हैं, उसको उन्हीं ने डायरेक्ट किया है और उन्हीं ने इसमें लीड रोल भी प्ले किया है, देव पटेल। और देव पटेल को तो मैंने वुल्वरीन के साथ भी काम करते हुए देखा है तो मुझे उनकी एक्टिंग पे कोई शक नहीं है। और ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही एक्सपेक्ट ट्रेन करने लगा था, तो कहानी देखकर नजर आ रहा है कि ये माँ बेटे के प्यार की कहानी है। एक गांव में आग लग गई है और पूरा का पूरा गांव जल गया है, तो हो सकता है कि हीरो का परिवार भी इस गांव में जल गया हो, लेकिन आपको हीरो की माँ जरूर दिखेगी और हो सकता है कि हीरो की माँ इस मूवी में देव पटेल को हनुमान जी की कहानियां सुनाते हुए बड़ा करती हो। मूवी के एक सीन में आपको हनुमान जी भी नजर आएंगे और जैसा विलेन का कैरेक्टर मुझे ट्रेलर में नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई इतने राज दफन है इस छोटे से ट्रेलर में, क्योंकि ट्रेलर को देखने के बाद कोई भी कुछ जज नहीं कर पाएगा। ट्रेलर देखने के बाद सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि हीरो जो कि फाइटर है और शायद पैसे के लिए किसी होटल में काम करता है, हीरो कंफ्यूज है, वो बुरे लोगों से अच्छे लोगों की मदद करना चाहता है और वो फाइट अक्सर गोरिल्ला मास्क पहन के करता है। अब कंफ्यूजन इस बात का है कि हीरो आखिर किससे बचने की कोशिश कर रहा है, क्या वो विलन से बचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि विलन से तो बदला लेना चाहता है और ये कहानी भी बदले की है, या फिर सीन में कुछ ऐसा ट्विस्ट है जो किसी ने इमेजिन ही ना किया हो। मूवी में सारे कैरेक्टर इंडियन ही नजर आ रहे हैं। फिल्म में आपको शोभिता नजर आएगी जिन्हें आपने मेड इन हेवन में देखा होगा, उसके अलावा PS1 PS2 में देखा होगा। देखो देव पटेल का कैरेक्टर मूवी में अंडरग्राउंड फाइटर है जो कि एक मास्क पहन के लड़ता है। मूवी के ट्रेलर देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मूवी टोटली एडल्ट सर्टिफाइड है। अब देखने वाली बात ये होगी कि देव पटेल विलन से बदला ले पाएंगे या फिर इसका भी जॉन विक टाइप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 बना देंगे। और भाई सोशल मीडिया पे तो कुछ लोग देव पटेल को जॉन विक से कंपेयर कर रहे हैं। देखो ये ट्रेलर रिलीज होने के बाद इंडिया में इसका कुछ इतना खास डिस्कशन ना हो रहा हो, लेकिन भाई चारों तरफ इसी की बात हो रही है।